तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स की, और हम बेसिक टू एडवांस की टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग की। जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट बनाते समय फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेटिंग सही ढंग से नहीं किया तो फिर आपकी रिपोर्ट इतना यूजफुल या इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि हाउ कैन नंबर फॉर्मेट। तो नंबर की फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी बेसिक, थोड़ी सी एडवांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दी है। हम नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। एक्सेल में क्या होता है, अधिकतर हम नंबर को ही फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सेल में हम नंबरिंग का काम करते हैं, तो नंबर फॉर्मेटिंग में ज्यादा काम होता है। तो कल की क्लास में हमने समझाया था कि आप कलर कैसे करेंगे, आप बोल्ड कैसे, फॉन्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, अलाइनमेंट कैसे करेंगे, बाकी चीजों के हम डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे नंबर फॉर्मेट की। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट से लाते हैं, इसमें कई सारी कैटेगरी है। हमने अलाइनमेंट पे डिस्कस कर लिया, हमने फॉन्ट पे डिस्कस कर लिया, हमने बॉर्डर पे डिस्कस कर लिया, हमने फिल पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर बाय डिफॉल्ट जनरल होता है। जैसे आपने सेल में कोई नंबर डाला, एंटर मारा, तो और नंबर फॉर्मेट में है तो ये आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ जाता है, तो ये राइट साइड में आ जाता है, और जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो राइट साइड में होता है इस तरह से। तो अगर आप किसी ने नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया तो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। इसका नुकसान क्या होता है, जब आप सम या ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा आपका नंबर जो है नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहां पे कोई नंबर लिखा तो नंबर इस तरह से जनरल फॉर्मेट में चला गया। अब इसके ऊपर मुझे थाउजेंड सेपरेटर लगाना है तो ऊपर देखिए कॉमा है, लगा दीजिए, थाउजेंड सेपरेटर आ जाएगा। डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना है या हमें घटाना है, यहां से घटा सकते हैं, या कोई करेंसी देनी है तो यहाँ पे शॉर्ट आ जाता है। यहाँ भी देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्मेट है जो कि क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शो होता है, जैसे कि जनरल, जैसे कि नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक एंड टैक्स। देखिए इसको डिटेल में हम यहां से सीखेंगे, कहां से, यहां कैटेगरी से। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, जैसा है वैसा रहेगा नंबर। नंबर पे आप जो है एक तो डेसिमल प्लेसेस को अपने हिसाब से सब यहां से बढ़ाना घटाना पड़ा, यहां से सिक्स दे सकते हैं कि दो डेसिमल प्लेसेस हो या तीन हो या चार हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका थाउजेंड सेपरेटर होता है कि थाउजेंड को सेपरेट करेगा, उसके बाद नीचे आता है निगेटिव। जैसे अभी जो है, अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि अगर किसी ने निगेटिव नंबर टाइप किया तो वो निगेटिव का साइन के साथ दिखेगा, लेकिन बहुत सारे जरूर कहते हैं निगेटिव नंबर कलर रेड हो जाए, तो इसको आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए कलर रेड हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा। बट एक्चुअली ध्यान रखिएगा, जैसे आपने माइनस एट्टी कर दिया, आप यहाँ पे माइनस एट्टी कर दिया हमने, तो आपको एट्टी दिख रहा है रेड कलर में, बट एक्चुअली माइनस एट्टी है। अगर किसी भी तरह का कैलकुलेशन होगा, जैसे हमने इसमें प्लस फिफ्टी कर दिया, तो क्या होगा सर, ए वन टेन आएगा, वो थर्टी आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस एट्टी प्लस फिफ्टी माइनस थर्टी, तो कैलकुलेशन जो होगा वो माइनस की ऊपर होगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करेगा, माइनस सिंबल की जगह पे ब्रैकेट दे देगा, और ये आपका ब्रैकेट यूके का फॉर्मेट होता है कि माइनस में रेड हो जाता है, ब्रैकेट और माइनस दोनों हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं करेंसी। करेंसी में हम करेंसी का सैम्बल दे सकते हैं, जैसे रुपीज की सैम्बल की बात करें तो यहाँ से आप अपना रुपीज का सैम्बल सिलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे हैं, गुजराती, हिंदी, अलग अलग फॉन्ट के हिसाब से है यहाँ पे। अब ध्यान रखिएगा, रुपीज का सैम्बल आपको विंडो 8 से मिलेगा, विंडो 10 में नहीं है, सॉरी, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 दोनों मिलेगा, विंडो 7 में नहीं मिलेगा, 9 तो है नहीं, गलत बोल गया, विंडो
8 एंड विंडोज 10 मिलेगा, विंडोज 7 में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विंडोज 7 जो है 2007 और 8 के बीच में लॉन्च हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, और हमारा करेंसी का सिंबल 2011 के आसपास आया था, तो इसलिए सिंबल नहीं आया। हाँ, विंडोज 7 में करेंसी का सिंबल लाते हैं उसके लिए हमें फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ता है, तो हम फॉन्ट डाउनलोड करना आपको सिखाएंगे। ओके, तो करेंसी का सिंबल डाल दीजिए तो आपके यहाँ करेंसी का सिंबल इस तरह से आ जाएगा, बाकी जो है वो रहेगा। अब करेंसी का सिंबल ही नहीं, आप यहां पे जो है करेंसी का कोड भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? करेंसी कोड, जैसे कि INR। अब करेंसी कोड को डालते हैं, करेंसी कोड डालने का पर्पस रीजन ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 58 डाल दिया, इस पे डॉलर का साइन लगा दिया। अब ये डॉलर यूएस है, ये डॉलर यूके का है, यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सिंगापुर का है, क्योंकि डॉलर साइन सब तो सेम होता है ना। सो हम इसलिए करेंसी कोड डालते हैं ताकि सही दिखे जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें। अब इसके बाद अगला आता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में आप देखेंगे सिर्फ करेंसी कोड आपको दिखेगा और कुछ नहीं, और डेसिमल प्लेस। लेकिन इसका भी एक यूज होता है, एक सिंपल सा, हम यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूला, रैंडम नंबर के लिए हमने एक सिंपल सा नंबर निकाला। अब यहां आप देख रहे हैं कि आपका जीरो जो है वो थोड़ा सा जुड़ना पड़ रहा है, तो बहुत सारे लोग कलर कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कलर नहीं करना चाहते। तो अगर आपने अकाउंटिंग में गए और अकाउंटिंग में आपने नन कर दिया और यहाँ पे डेसिमल प्लेस से जीरो कर देता हूं, हमने अकाउंटिंग में क्या कर दिया, नन कर दिया और डेसिमल प्लेस से जीरो कर देता हूं, तो क्या होगा? एक से होल्ड कीजिएगा, तो एक से सॉरी सर कोई आ गया था। तो यहां पे देखिए ये डैश हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जीरो को डैश में कन्वर्ट किया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में जीरो ही है, जस्ट विजिबल में इसने डैश कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहां पे डेट का। तो डेट आप जैसे डेट लिखना, आप डेट कैसे लिखेंगे, आप यहाँ चेक करेंगे कि आपका डेट का फॉर्मेट क्या है। अभी क्या है, 9/3/2020, मतलब कि 9 months 3 days और 2000 year, तो यह है MMDDYY, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/3, और करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर है तो आपको स्लैश करके ईयर भी डालना होगा, तो डेट आ जाता है। तो डेट का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा, डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा, वो आएगा। अब इसमें एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift-#, Ctrl+Shift-#, हैशटैग, तो यहां आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरह का डेट आएगा। इसके अलावा यहां पे शॉर्ट डेट, यहां पे लॉन्ग डेट तो आता ही आता है, लेकिन आपको अपने हिसाब का डेट चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डेट के फॉर्मेट हैं, और एक कंट्री वाइज है। ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं वो यूएस का है, इंग्लिश यूएस का है। अब यहाँ पे इंग्लिश यूके का फॉर्मेट ये आता है, इंग्लिश यहाँ पे स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, फिलीपींस, ठीक है, आप इंडिया भी आएगा, इंडिया का हिंदी भी आता है, हिंदी हिंदी मैंने मान लीजिए ए सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह का दिखेगा। तो डेट का फॉर्मेट आप दे सकते हैं, उसी तरीके से टाइम का भी फॉर्मेट होता है। आपने टाइम लिखा 10:30 हमने लिखा, तो यहां हम टाइम फॉर्मेट पे आते हैं। अब देखिए यहां पे हिंदी फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया था तो हिंदी रहेगा,
हिंदी का आई है तो हिंदी ले लीजिए, जो इंडिया में यूज होने वाली चीजें हैं वो ले लीजिए, या फिर आपको यूएस फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे यूएस फॉर्मेट लीजिए। अपना डेट डाल सकते हैं, अपना टाइम डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी का ओवर टाइम या कोई टाइम कैलकुलेशन जो कि मोर देन 24 आवर है, जैसे हमने 34 घंटे और हमने 17 मिनट एंड 30 सेकेंड हमने कोई कैलकुलेशन कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, अब एक गलती से हमारा हो गया जनरल फॉर्मेट, अगर इसके ऊपर अगर हम टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है आपके सामने, आपके सामने आ रहा है 17:30 आ रहा है ना, तो 1:30 एक, तो इसमें आप ऊपर देखिएगा कि आप सिलेक्ट करते हैं तो 34 घंटे नहीं आएगा, क्योंकि 24 आवर से ऊपर का जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो क्या करें उस केस में, उस केस में यहाँ 37, 30, 55 का फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका टाइम दिखेगा। समझ में आ रहा है दिनेश जी? सॉरी सर, समझ में आ रहा है आपको? सुनील जी, धीरज जी, सुनील जी, हेलो, यस सर आ रहा है। अरे ये आप लोगों के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि सो तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम के बाद परसेंटेज तो वही है जो ऊपर यहाँ अप्लाई करते हैं, उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि यहाँ 2.5 मैंने लिख दिया, तो इसको आप अगर फ्रैक्शन में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो यह जाएगा 2 और 1/2। अब इसको और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ देखिए हाफ लेबल 2/4, 4/8, ठीक है ना, इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं, इसमें जरूरत हमें कभी कभी पड़ जाती है। फ्रैक्शन के बाद हम साइंटिफिक खास टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट का अच्छा खासा रोल है। चलिए मैं बताता हूं आपको, जैसे कि यहां मुझे चेक नंबर लिखने हैं, तो मोस्टली चेक नंबर में जीरो होता है, तो जीरो लिखते हैं तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, बट मुझे जीरो के साथ चाहिए, तो हम सिंगल कोट लगाते हैं, वन यहाँ पे जीरो डालते हैं और लिखते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं, जीरो डालते हैं और लिखते हैं। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर ही लिखना है, तो मैं हर बार सिंगल कोट क्यों डालूं? हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको कॉलम को, और इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल देंगे। तो सिंगल कोट लगाने से क्या होता है, आपकी नंबर टेक्स्ट में चली जाती है, तो एक्सेल उसको, अब टेक्स्ट में तो ऐसा नहीं कि आपने 100 लिखा 100 लिखा तो 100 लिख जाए कैरेक्टर में, नहीं नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब कि उसकी कैटेगरी, उसकी कास्ट, उसकी जाति प्रजाति को टेक्स्ट समझ लिया जाता है। तो अब मैं यहां पे बगैर सिंगल कोट डाले हम जीरो लाएंगे, जीरो सेट होगा, यहां तक कि अगर मैंने इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला अप्लाई तो होगा बट परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट वाले सेल में कैलकुलेशन नहीं होता है। ओके, लेकिन यहां पे ये बात नहीं, अब बात हम करते हैं कि किसी ने मुझे टैक्स भेज दिया, मैं किसी ने मुझे टैक्स नंबर भेज दिया है वो भी बगैर जीरो लगाया, अब मुझे इसके आगे जितना डिजिट कम है उतना डिजिट चेक नंबर के आगे जीरो लगाना है, जैसे कि 4 डिजिट है 00001245 00001212 00062, तो कैसे करें, क्योंकि एक एक सेल पे जाके ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे जब प्रिंटिंग पर्पज से चाहिए चेक को प्रिंट करके ले जाना है, तो हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट के कस्टम में, और कस्टम में मैं यहां पे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो 6 times मैंने क्या किया, 6 times मैंने इस पे जीरो डाल दिया, तो आप यहां देखिए जीरो आ गया,
लग गया सर। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से, जैसे यहाँ पे देखिए ये 000 000 3000 233 नहीं है, ये सिर्फ 233 है। आप ऊपर फॉर्मूला बार में दे सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी थ्योरी याद रखिएगा एक्सेल की कि फॉर्मेटिंग कांट चेंज द ओरिजिनलिटी, जस्ट चेंज द विजिबिलिटी। ओरिजिनल कभी चेंज नहीं होगा, जो टाइप हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा फॉर्मेटिंग से, वो सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर सकता है, फॉर्मेटिंग कभी चेंज नहीं कर सकता। फॉर्मेटिंग उसकी विजुअल को, उसके दिखावे को चेंज कर सकता है। ये हमेशा रूल याद रखिएगा। उसी तरीके से मान लीजिए मुझे यहां मोबाइल नंबर लिखने हैं, मुझे क्या लिखने हैं, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जब मैं टाइप करता हूं तो +91 लगाता हूं, +91 8880257938। जब मैं इसकी एंटर मारता हूं तो आप देखते हैं कि 88 हट जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कितने +91 लगाया, तो +91 में क्या हुआ कि एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप प्लस से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, इक्वल से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, तो सिस्टम को लगा कि फॉर्मूला है इसलिए। तो क्या करें इसके लिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहां हम देंगे +91। क्या देंगे? +91। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइप हम जीरो डाल देंगे। अब इसमें देखिए हम नंबर 8802579388 करते हैं तो हमारे पास नंबर आ गया, आ गया सर। और सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मुझे यहां मीटिंग आईडी मान ली लिखना है और 3 डिजिट के बाद मैं स्पेस लगाना चाहता हूं, तो क्या करेंगे इसके लिए, सिलेक्ट दैट एंड जस्ट अप्लाई 1 2 3 0 - 1 2 3 - 1 2 3 मतलब कि 3 times 0 दे देंगे। 9 डिजिट का कोड है इसलिए ऐसा करता है। अब यहां जैसे मैंने 1 2 3 9 6 3 and 2 5 8 हमने डाल दिया, एक डिजिट ज्यादा हो गया, तो आप देख रहे हैं वन नंबर आ गया और डैश लग गया सेपरेशन। उसी तरीके से मान लीजिए कि अकाउंट नंबर कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि 11 डिजिट से ज्यादा है, 1 2 3 ये हमारा 10 डिजिट का कोड, 10 डिजिट का कोड है। अब मैंने यहां पे 11 डिजिट डालता हूं और यहां पे 12 डिजिट डालता हूं, तो 12 डिजिट डालते ही क्या हो गया, साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया। तो इसको कैसे नॉर्मल कैसे करें ताकि विजुअल हो, इसके हम हैश कोड डाल देंगे, सिर्फ एक हैश कोड या एक जीरो, हैश की जरूरत नहीं है, जीरो डाल सकते हैं। अब इसमें मैं नंबर डाल सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नंबर 14 डिजिट तक ही लगेगा। अगर आपने 14 डिजिट से ज्यादा 15 डिजिट तक माफ कीजिएगा 15 डिजिट से लगेगा 15 डिजिट ज्यादा अगर मैंने 16 डिजिट डाला तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। लास्ट में 4 डाला था ना, देखिए मैं यहां पे डाल रहा हूं 458 4, यहां पे लास्ट में लास्ट डिजिट जो है जीरो को डिलीट करके मैं डाल रहा हूं 458। जैसे एंटर प्रेस किया ये तीनों जीरो में कन्वर्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके एक्सेल के अंदर ये फिक्स होता है कि सिर्फ 15 डिजिट तक का ही कैलकुलेशन कर पाता है। आपकी कंप्यूटर का लिमिटेशन है 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन, और उससे ज्यादा जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमें अलग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको लिखना हो, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट 19 डिजिट का 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड 19 डिजिट का कोई नंबर लिखना है तो उसको उसको शायद टेक्स्ट बना दीजिए, या टेक्स्ट बना दीजिए और टेक्स्ट में आप लिख दीजिए, नहीं तो सिंगल कोड लगाइए और यहाँ पे आप 32,767 नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं। आया समझ में?
तो इसमें और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। जी हाँ, इसको इसको पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। कौन सा आर्टिकल? वो मेरा आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। ये रहा, मैं क्लिक करता हूं, देख रहे आपको सर, यहां से क्लिक कीजिएगा तो और भी आ जाएगा साइड में। अब ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग इसको एक बार स्टडी कर ले, फिर इसके आगे के चीजों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार आपने अपनी ईमेल आईडी मुझे चैट कर दीजिए ताकि मैं ईमेल आईडी डाल दूं आप लोगों को। और किसी तरह के डाउट और क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं सर, अभी भी या प्रैक्टिस करते समय भी।